खबर मध्य प्रदेश से, जहां के जबलपुर में आज किन्नरों के दो गुट में भिड़ गए आपस में। इस दौरान किन्नरों ने उस तरह से एक दूसरे पर हमला बोल दिया जिसमें 5 किन्नर घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर में किन्नर युद्ध, इलाके को लेकर हुआ झगड़ा। जबलपुर के गोहलपुर में किन्नरों के दो गुटों का झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। दरअसल किन्नरों के बीच इलाके को लेकर काफी समय से तनातनी चल रही थी। मंगलवार को शादी में नाच गान के लिए एक गुट जैसे ही गुलौवा चौक के पास पहुंचा, दूसरे गुट के किन्नरों ने इन पर चाकू और उस्तरे से हमला कर दिया। गुंडों को साथ में लेके आए थे, इनके पास 4 गाड़ियां थी, 2 वैन थी, एक सेंटर में जिसमें अभी आए हैं एक ऑटो थी इनके पास, तो 3 में गुंडे भरे हुए थे, 10-12-15 लड़के जो पूरे डंडे डंडे पता नहीं जो तलवार और क्या लिया रहता था। और हम लोग को गाड़ी से चारों तरफ से लोगों ने छेक लिया, मेरे पूरे कपड़े फाड़े, अपनी तलवारें बाहर निकाली, अपने जो जो उनका सामान था वो हम लोग को मारना पीटना, मेरे बाल और खींचे, हमारे गुरु के पूरे यहाँ इन सबके मार मुड़ के लड़के लोग तुरंत भाग गए। किन्नरों का झगड़ा थाने तक पहुंचा, लिहाजा पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इनका कहना है कि ये इलाका हमारा लगता है, इनका कहना है कि हम लोग यहाँ से जा रहे थे दूसरी पार्टी वालों ने, इसी बात पर से आपस में मारपीट हुई है दोनों की, दोनों पार्टियों का मुलाजा करके है और रिपोर्ट दर्ज करके मुलाजा के लिए भेजा जा रहा है, बाद मुलाजा के कार्रवाई की जाएगी। इलाके को लेकर किन्नरों के बीच झगड़े का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार इनमें खूनी संघर्ष हो चुके हैं। सवाल अहम है कि बार बार झगड़ा, बार बार पुलिस कार्रवाई, बावजूद इसके झगड़े पर आखिर क्यों नहीं लग पाता लगाम। इस समय जबलपुर से सुमन पुरोहित।